पैसेंजर को उन्होंने असली एक्टर कास्ट किया। यूजुअली जब क्राउड होता है लोग जूनियर आर्टिस्ट को बुला लेते हैं, उससे काम चला लेते हैं। बट देखिए अभी जितने लोगों ने भी देखी है बहुत अच्छी लगी उनको, और मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं राम, उनकी फिल्म है, तो मैं तो उनके लिए बहुत शुभकामनाएं ही दूंगा कि उनकी फिल्म जो है वो सफल हो। और क्योंकि मैंने तो गीत लिखे हैं तो मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हो, लोगों के जहन में अच्छा मैसेज छोड़े। और शुभकामनाएं हैं मेरी, और जितने भी लोग फिल्म से जुड़े हैं, चाहे वो सोनम का अभिनय हो, जिन्होंने बखूबी अभिनय किया है, उनकी एक्टिंग देखनी चाहिए इस फिल्म में। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और राम मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं बहुत सालों से, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म आपको करनी है, और दोस्त को कभी मना नहीं कर सकते, इसलिए शी इज़ फैंटास्टिक। शी इज़ अ फ्रेंड सिंस आई हैड लव स्टोरीज, वो फिल्म में मैंने म्यूजिक दिया था। और उसके बाद जब पता चला कि सोनम नीजा भानोट है और राम बदवानी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म में आपको सोनम का जो लव इंटरेस्ट है वो आपको निभाना है, तो मैंने कहा यार दोस्त है तो ना कह सकते हो। जी बिल्कुल, नॉट ऑल। मुझे तो बहुत उम्मीद है, एक तो ये जो सब्जेक्ट है वही बहुत दिल को छूने वाला, ये किस्सा सच्चा है और हम लोगों को मालूम है क्या है, उसे बहुत अच्छी तरह बनाया गया होगा। इसका यकीन मुझे इसलिए है कि राम एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और ये उनका पहला फीचर फिल्म है, और मैं विश्वास रखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया होगा। जहाँ तक एक्ट्रेस का ताल्लुक है वो तो आपको मालूम है कि अच्छे हैं ये, लेकिन राम आडवाणी एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड आदमी है, और एडवर्ल्ड में भी उन्होंने जो एक नया स्टैंडर्ड, एक नया कैलिवर पैदा किया है, तो मुझे यकीन है कि यहाँ भी वो बहुत ही और बड़ी सिंसियरिटी से उन्होंने काम किया, बहुत एक्साइटेड थे वो, मुझे पता है, तो आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी अ वेरी गुड फिल्म। मैं सेट पे गई थी, आई वाज कम्प्लीटली ब्लोन अवे, द लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी, द अमाउंट ऑफ एफर्ट मेड टू मेक द एयरक्राफ्ट रियल, the kind of homework and the kind of prep that all the actors, मतलब हर एक passenger को उन्होंने असली actor cast किया। Usually जब crowd होता है लोग junior artist को बुला लेते हैं और उससे काम चला लेते हैं, but there was a lot of effort that the director and the team of the film had made in bringing together like-minded thinking people. Ram Advani had individually cast every single passenger और बहुत सारी वर्कशॉप्स किए थे सबके साथ, एंड मैं सेट जब गई थी तब वर्कशॉप का ही हिस्सा था। मैं राम को पर्सनली बहुत सालों से जानती हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि वो उन निर्देशकों में से एक हैं जो अपनी कला को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। ही रियली केयर्स फॉर द कॉन्टेंट दैट ही इज़ मेकिंग, एंड ही इज़ वेरी मेटिकुलस विद हिज डिटेलिंग, बहुत मेहनत करते हैं। सबने इस कहानी के बारे में सुना है, बहुत ज़्यादा छोटे थे आई थिंक जब हुआ था, और मैं तो तब लंदन में रहती थी, बट वी ऑल हर्ड अबाउट इट। एंड एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत ही यंग थी, बहुत ही करेजस थी, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसके बारे में नहीं सोचा। शी डिड द राइट थिंग, सो आई थिंक इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी, इट्स अ मूविंग स्टोरी, और मैं बहुत खुश हूँ कि ब्लिंग और अतुल ने अपनी पहली फिल्म इस सब्जेक्ट पे बनाई है, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट सच पीपल हिस्ट्री। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, अतुल आई हैव नोन फॉर ओवर 20 इयर्स, या आई रियली एंड ही इज गॉट अ ग्रेट स्टोरी टू से, सो आई एम होपिंग फॉर अ वेरी इनथ्रॉलिंग सॉर्ट ऑफ रियल काइंड ऑफ फिल्म। जी जी जी, अब ये रियल फिल्म है, इसमें रेफरेंसेस होंगे, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, डिटेल वाले डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है इसमें एक्टर के तो मजे हैं। काम करता था कैरेक्टर पे, डायरेक्टर के साथ अपना खुद का भी करता था, मगर ये करेंगे, शानदार करेंगे, पक्का है, क्योंकि अतुल एक फोटोग्राफर हैं, फैशन फोटोग्राफर हैं, उनके एस्थेटिक्स थोड़े अलग हैं, राम खुद एडवर्टाइजिंग से हैं, तो
तो वो भी बहुत डिटेल में एडवर्टाइजिंग फिल्म बनती हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड इवनिंग, और थोड़ा लेट भी हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैंने अब तक फिल्म देखी नहीं है, पहली बार देखने जा रही हूँ। पहले तो मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि मैं रमा भनोज जी, जिनका कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला था, और उन्होंने हमको सराहा, हमको अपनी विशेस दी, और ये कि फैमिली ने जो है, भनोट फैमिली ने हम पर इतना ट्रस्ट किया, तो मुझे लगता है हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि उनको फिल्म अच्छी लगे। और हमने पूरी इस उम्मीद से बनाई है कि वो जो परिवार है जिनके ऊपर ये ऐसा हादसा गुजरा है, वो इस फिल्म से मुतमईन होंगे। मुझे यकीन है कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि डायरेक्टर राम मधवानी ने ये कोशिश की है कि इसमें थ्रिल है। जाहिर है कि जो हाईजैक का पोर्शन है वो बहुत थ्रिलिंग है, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली स्टोरी है, और ख़ास तौर से मदर और डॉटर की स्टोरी है, तो इसका इमोशनल कंटेंट भी बहुत अच्छा है।